नमस्कार, आप जो रहा न्यूज 18 गुजराती, हूँ छू आपनी साथी प्रति। नजर करिए समाचार सुपरफास्ट पर। गुजरात में भारी वरसाद की शक्यता नहीवत, आज के भागों में मध्यम वरसाद थी सके तो 40 किलोमीटर की झड़पे फूंकाई सके पवन, केटलाक विस्तार में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थी सके, गाजवीज तेज पवन साथ मध्यम वरसाद थी सके। दक्षिण गुजरात भागों में वरसद की आगाही, तो अमदावाद में छूटो छवायो वरसद पड़ सके, अरवली, खेड़ा, आणंद, महिसागर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गीर सोमनाथ, दीव में मध्यम वरसद की आगाही, अमदावाद में तापमान 34-36 डिग्री रही सके। चक्रवात ने लेने अंबालाल पटेल की आगाही, ऑक्टोबर में बेक टू बेक चक्रवात नो मारो जोवा मळशे, 2018 चक्रवात दिवसों की याद अपावी सके, तो चक्रवात कारण राज्य में वरसद पड़ सके, 3-26 ऑक्टोबर सुधी अलग अलग दिवसों में वरसद पड़े। 7 ऑक्टोबर बाद वावाझोड़ा वधु घातक हशे, अरब सागर में 30 सप्टेम्बरे सिस्टम सक्रिय थशे, तो 10 ऑक्टोबरे अरब सागर में फरी एक सिस्टम सक्रिय थशे, चक्रवात कारण दक्षिण गुजरात में वरसाद थशे। गुजरात में आज घणा भागों में गाजवीज साथ वरसे वरसाद, अंबालाल पटेल की आगाही प्रमाण आज सूर्यहस्त नक्षत्र आता पलटाशे वातावरण, जो कि ऑक्टोबर थी गुजरात में चौमासु लेशे विदाय। गुजरात में बेक टू बेक वावाझोड़ा थी छूटो छवायो वरसाद वरसी सके, हवामान निष्णात अंबालाल पटेले आगाही करी, बंगाल उपसागर में चक्रवात सक्रिय थता राज्य में सामान्य वरसाद झापटा पड़ी सके। बंगाल सागर में सक्रिय थे सिस्टम महीना अंते बनशे मजबूत, अंबालाल पटेल मते लो प्रेशर में वावाझोड़ा में परिवर्तित थशे, जेनाथी पूर्व भारत जुदा जुदा भागों में वरसी सके वरसाद। गुजरात में चौमा की विदाय ने काउंटडाउन, गुजरात में सीजन सरेराश वरसद 103.41%, सौ कच्छ जिला में सरेराश 164% वरसद नोधायो, बीजा क्रमे सौराष्ट्र में सरेराश 122.8% वरसद। अरवली जिला में वहली सवारी धुम्मस छवायो, विजिबिलिटी में घटाड़ो थता वाहन चालकों की मुश्किल वधी, धुम्मस कारण कपास और सोयाबीन पाक की असर की भीति। बोटाद अनेक विस्तारों में वरसद शुरू, बोटाद, बरवाड़ा सहित गामों में वरसद, सेथड़ी, संभियाला, लांठीदड़ तेमज अन्य विस्तारों में धोधमार वरसद, वरसद कारण वातावरण में ठंडक प्रसरी। बोटाद शहर में 2 दिवस विराम बाद फरी वरसद, शहर पाड़ियात रोड, गढ़ा रोड पर वरसद, तो भावनगर रोड, सारंगपुर रोड सहित विस्तारों में वरसद, जिला गढ़ा पंथक ग्राम्य विस्तारों में वरसद चालू। बरवाड़ा पंथक में अचानक वातावरण में पलटू आप्यो, वीजळी कड़ाका भड़ाका साथ गाजवीज साथ धीमीधारे वरसाद, कुंडल, बेला, रोजीत, राणपरी, वहिया, भीमनाथ, पोलारपुर, रामपरा सहित समग्र पंथक में झरमर वरसाद। बोटाद जिला गढ़ा शहर और ग्राम्य विस्तारों में वरसाद, वीजळी कड़ाका और पवन साथ वरसद आगमन, बाणवधार, हरिपर, केराड़ा, रामपरा में वरसद, तो बाबड़ी, समढ़ियाड़ा सहित गामों में वरसद। राजकोट ग्राम्य विस्तारों में धोधमार वरसाद, लोधिका तालुकाना गामों में पवन साथ वरसाद वरसों, खीरसरा, मितोड़ा, वाजड़ी, वड़, वाखुदड़, बालसर में वरसाद खाबक्यो। अमदावाद में मच्छरजन्य रोगों में वधारो, अमदावाद में डेंग्यू 566 जारी मलेरिया 124 केस नोंधाया, एक सप्ताह में डेंग्यू 173 मलेरिया 41 केस में वधारो थयो। वाइब्रेंट समिट की उजवणी ने लईने पीएम नु संबोधन, तेमणे कह्युं के 20 वर्ष पहला आपणे जे बीज वावेलू ते विशाल वाइब्रंट वटवृक्ष बन्यु, वाइब्रंट गुजरात माटे बॉन्डिंग नुं प्रतीक, आज दुनिया वाइब्रंट गुजरात की सफलता जुए छे। तो साथ पीएमए कांग्रेस पर आकरा प्रहार कर्या, वाइब्रंट समिट की शुरुआत समय अनेक अड़चण थी, विदेशी रोकाणकारों ने धमकावामां आवता हता, ते समय नी केन्द्र सरकार नुं बेवड़ू वलण हतुं। वाइब्रंट गुजरात मात्र वन टाइम इवेंट नहीं, आज वाइब्रंट गुजरात एक इंस्टीट्यूट बनी, नकारात्मकता वच्चे पण राज्य में रोकाण आव्युं हतुं, आज 40,000 थी वधु डेलिगेट्स आवी रह्या छे। अमदावाद अने छोटाउदेपुर बाद पीएम मोदी वडोदरानी मुलाकाते जशे, ज्यां तेओ नवलखी मैदान में नारी वंदन कार्यक्रम में संबोधन करशे, साथे 400 आवासों अने नवा बनेला ब्रिजनुं लोकार्पण करशे। दाहोदनी जल व्यवस्था सुदृढ करवा माटेना अद्यतन प्रोजेक्टनु पीएमना हस्ते लोकार्पण, करोड़ोना खर्चे बनेला प्रोजेक्टमां सेंसर टेक्नोलॉजी नो उपयोग, जेनाथी लीकेजीस शोधीने पाणीनो व्यय अटकावी शकाशे, 1,00,000 થી વધુ લોકોને ફાયદો થશે।
नवीनीकरण थयेला छाबतळामा जाहिर सुविधाओ बगीचाओ बोटिंग सुविधा उपलब्ध छे। मुलाकातीओ माटे 2.5 किलोमीटर लांबो पथवे साइकलिंग रूफ रूफ टोलर सोलार एम्फीथिएटर आकर्षणनुं केन्द्र बनशे। पीएम मोदीए वायब्रंट ग्लोबल समिट कार्यक्रम दरमियान रोबोट एक्जिबिशननी मुलाकात लीधी। आ समय राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेन्द्र पटेल हाजर था। आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत 5 दिवस गुजरात प्रवासे, आज 1 ऑक्टोबर सुधी अमदावाद सूरत में विविध कार्यक्रमों में हाजरी आपशे। 2 ऑक्टोबरे मोहन भागवत नागपुर जवा रवाना थशे। राजकोट में सिद्धिविनायक धाम गणेशोत्सव में लाडू स्पर्धा आयोजन, महिला और पुरुष एम बे भाग में स्पर्धा आयोजन। कुल 52 स्पर्धकों भाग लीधो। स्पर्धकों दाल साथ महत्तम लाडू आरोगी नंबर 1 मेळव्यो। स्पर्धा में गोविंदभाई लुणाकरिया 21 लाडू आरोगी ने प्रथम नंबर मेळव्यो तो मावजीभाई मोकासनाए 13 लाडू आरोगी ने बीजा नंबरे रहा। आ तरफ महिलाओं में प्रीतिबेन रूपारेलियाए 10 लाडू आरोगी ने प्रथम नंबर मेळव्यो। राजकोट आजीडेम विस्तार में एमोनिया वेस्ट कारण लोगों ने आंख और गला में बढ़तरा तथा श्वास ले तकलीफ पड़ी। तंत्र ने जाण थता दौड़त तंत्र एमोनिया वेस्ट पर पानी मारो चलाव्यो। हाल स्थिति नियंत्रण में। नर्मदा पूर की असरग्रस्त 9 जिला में सहाय की जाहरात। कैबिनेट बैठक बाद ऋषिकेश पटेल की जाहरात। वावाझोड़ा वक्त अपाई थी ते प्रमाण अपाशे सहाय। 2 दिवस में सरकार परिपत्र जाहिर करशे। राज्य में 15 ऑक्टोबर सुधी चालशे स्वच्छता अभियान। 1 ऑक्टोबरे अभियान में पीएम मोदी जोड़ाशे। राज्य तमाम गामडाओं में चलावाशे स्वच्छता अभियान। चूंटायेला तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं हाजर रहेशे। सुरेन्द्रनगर में अत्यार सुधी में 85 વધુ લોકોને હડકાયા। શ્વાની બચકા ભરતા સાબર હેઠળ ખસેડાયા। એનટીએમ હાઈસ્કૂલ ચોક, પતરાવાળી ચોક, ટાવર ચોક, જેલ ચોક, પોપટપરા વિસ્તારમાં શ્વાને લોકોને નિશાન બનાવ્યા। અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મેળાનો આજે 5મો દિવસ। 4 દિવસમાં 20 લાખથી વધારે ભક્તોએ માતાજીના દર્શન કર્યા। 4 દિવસ દરમિયાન મંદિરમાં 1 કરોડથી વધુ દાન જમા થયું તો 16 ગ્રામ સોનાનું દાન કરાયું। 4 દિવસ में 9.37 લાખ प्रसाद पैकेट वेचाण थयुं। अंबाजी रस्ते मानव बेरामण उमटी पड़ो। पदयात्रियों ठेर ठेर सेवा कैम्पों आयोजन। मेला बाकी रहे 2 दिवस में हजू भक्तों की संख्या वे शक्यता। भादरवी पूनम महामेला ने लई अंबाजी मंदिर रोशनी थी जगमगी उठ्यू। चाचर चौक में प्रकाश पुंज पथराया हो अलौकिक आभा रचाई। मंदिर अलौकिक नजारो जोई भक्तों में आनंद। श्रद्धा भक्ति ने आस्था त्रिवेणी संगम थी अंबाजी में मेलकुंभनो माहौल। अंबाजी पदयात्रियों माटे जय जलियाण सेवा कैंप द्वारा व्यवस्था कराई। दररोज 50 से 60 हजार पदयात्रिकों माटे भोजन की सुविधा साथ पदयात्रिकों माटे आराम और मेडिकल की उत्तम व्यवस्था कराई। अमदावाद वस्त्राल रघुलीला सोसायटी गणेश युवक मंडल द्वारा गणपति दादा ने 56 भोग प्रसाद धरावायो। सामाजिक नाटक आयोजन करायु। सोसायटी रहीशोए गणपतिजी दर्शन साथ प्रसाद लाभ लई धन्यता अनुभवी। सूरतना डिंडोली में युवक आपघात। लग्न बाद पत्नी छेला 1.5 महीना पियर थी परत फरी नती जेने लईने मानसिक तनाव में आवीने युवके पोताना घर में गळे फांसो खाईने जीवन टूंकाव्यु। सूरत में एटीएम में पैसा की चोरी करता 3 लोगों ने क्राइम ब्रांच झड़पी। आरोपी एटीएम मशीन में चीपीओ लगावी देता जारे अन्य लोग ट्रांजेक्शन करता पैसा चीपीओ में फसाई जता और फसायेला पैसा लईने आरोपी फरार थता। सूरत में स्टेट मॉनिटरिंग सेले उधना रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दारूना जत्था साथ 2 लोगों ने झड़पी पड़ा। दारू की 715 बॉटल, 2 मोबाइल, मोपेड सहित कुल रूपया 1.8 लाख मुद्देमाल जप्त कराया। 3 आरोपियों ने वॉन्टेड जाहिर कराया। सूरत डिंडोली विस्तार में डीजे ताले हाथ में खंजर लई झूमता युवक वीडियो वायरल थयो। म्यूजिक ताले डांस करता युवक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुरेन्द्रनगर दसाड़ा तालुका में 2 अलग अलग जगह विदेशी दारू जत्थो झड़पायो। बने दरोड़ा में विदेशी दारू और 2 कार सहित 7 लाख मुद्देमाल जप्त करायो। बने वाहन चालकों चालक फरार। महिसागर जिला पुलिस फिल्मी ढबे दारू भरेली एक्सयूवी पकड़ी। बातमी आधार पुलिस वॉच गोठवी एक्सयूवी कार ने झड़पी पाड़ी साथ 5 लाख मुद्देमाल जप्त कर। कार चालक गाड़ी मूकीने फरार। जेतपुर में कागवड़ना पाटिया नजीक ट्रक पलटी गयु। पूर झड़पे जत अनाज भरेलो ट्रक पलटू। ट्रक चालक घटनास्थले थी फरार। चालक की स्टीयरिंग पर काबू गुमावता दुर्घटना सर्जाई। रोड पर वाहनों ने लांबी कतारों लागी।
जेतपुर में भादरना रेलवे पुल नीचे मृतदेह मिली आयो। धार विस्तार में रहता मजूरी काम करता प्रौढ़ मृतदेह मिली आयो। पुलिस मृतदेह ने पीएम अर्थे जेतपुर होस्पिटल खसेड़ी आगनी कार्यवाही हाथ धरी। आणंद तालुकाना वडोद गाम में हत्यानी घटना। रात्रिना समय पांच जेटला आरोपीओए हथियार साथ युवक पर हुमलो कर्यो। हुमला में वंदनसिंह नामनो युवकनो मौत थयुं। पुलिसे आरोपीओने अटकायत करी कार्यवाही हाथ धरी। पोरबंदरना आदित्याणा गामे युवक पर जीवलेण हुमलो। पांच आरोपीओ हुमलो करता युवकने गंभीर इजा। अंगत अदावतमां युवक पर हुमलो थयो। हुमलामां एक गंभीर इजाग्रस्त युवकने सारवार माटे जामनगर खसेडायो। दाहोदना बहारपुरा विस्तार में रहनाक मकान में आग लागी। अपार्टमेंट तीजा माले अचानक आग लगता अफरतफरी सर्जाई। आग ने कारण तमाम घर वखरी बळीने खाक थई। फायर की टीमें आग पर काबू मेळवता हाशकारो। राजकोट खंडेरी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया वच्चे टक्कर। सीरीज की छेली मैच जीतवा बंने टीमों वच्चे खराखरी खेल। तीजी मैच में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश करवा मैदाने उतरशे। धोराजी नानी परबड़ी गामे मगर जोवा मळ्यो। पुलजर नदी नजीक शिवाड़ी वाला रस्ते आवेल चेकडेम में चार फूट नो मगर आवी चढ़्यो। चेकडेम में मगर जोवा मळता आसपास विस्तार लोगों में भय नो माहौल। वडोदरा अचीसरा टिम्बरवा केनाल रोड पर अजगर नु रेस्क्यू। वडोदरा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट टीमे अजगर नु रेस्क्यू कर्यु। केनाल रोड पर रात्रि समय अजगर आवी चढ़ता वाहन चालकों में फफड़ाट। अजगर नु रेस्क्यू थता हाशकारो। नवसारी बिलीमोरा में एसबीआई एटीएम में चोरी। त्रण ठग महिलाओं अन्य महिला पर्स में 49,000 लई फरार थी। चोरी की समग्र घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ठग महिलाओं की तपास हाथ धरी। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तिथि कराई नक्की। 22 जान्युआरी भगवान रामलला मंदिर में विराजमान थे। जेना 15 जान्युआरी थी धार्मिक अनुष्ठान शुरू थी जैसे। राम मंदिर नो ग्राउंड फ्लोर वर्षना अंत सुधी में तैयार थी जैसे। मंदिर निर्माण पाछळ अत्यारुधी में 900 करोड़ खर्च थयो। कुल खर्च रूपा 1800 करोड़ थवानी शक्यता। आगामी वर्षे 22 जान्युआरी प्राण प्रतिष्ठा की शक्यता। एशियन गेम्स में भारत नो चौथो गोल्ड। भारतीय शूटिंग टीमें गोल्ड और सिल्वर बे मेडल जीत्या। 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत्यो। शूटिंग की 25 मीटर पिस्टल महिला टीमें गोल्ड जीत्यो। भारतीय खिलाड़ियों 1759 पॉइंट कर हासिल। चीनना हांगचोउ में 19मा एशियाई गेम्स में भारत तीजो गोल्ड जीत्यो। एशियन गेम्स में भारत घोड़े सवारी में जीत्यो गोल्ड मेडल। 41 वर्ष बाद गोल्ड मेडल जीती रच्यो इतिहास। भारतीय महिला क्रिकेट टीम हांगजू एशियन गेम्स में जीत्या बाद स्मृति मंधाना घरे सुवर्ण चंद्रक साथ परत फरी। मंधाना मोड़ी रात्र चीन की मुंबई परत आई थी। एरपोर्ट पर परिवारजनों सहित लोग भव्य उमड़काभेर स्वागत कर। रिलायंस फाउंडेशन ना चेयरपर्सन नीता अंबाणी ने मुंबई ना प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार 2023-24 सम्मानित कराया। स्वास्थ्य संभाल शिक्षण रमतगमत कला और संस्कृति में परिवर्तनकारी संस्थान बनावा माटे तेमना उत्तम योगदान बदल सम्मान करायो। यूएन महासभा 78मा सत्र की सामान्य सभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर निवेदन। हवे एवा दिवसों नहीं रहा कि जारी केटलाक देश एजेंडा नक्की करता हता ने बाकी देशों एजेंडा ने अनुरूप चाले। खालिस्तानी आतंकी और प्रतिबंधित संगठनों साथ जोड़ायेल आरोपीओं ठेकाणा पर दरोड़ा। आरोपीओं हवाला कनेक्शन ने शोधी काढ़वा एनआईए की कार्यवाही। एनआईए द्वारा 6 राज्यों में 51 थी वधु स्थलों दरोड़ा की कार्यवाही कराई। ताप्ती नदी पूर पानी थी सैकड़ों परिवारों ने हालाकी। 500 थी वधु परिवारों थया बेघर। काचा मकानों पानी में तणाया। केटलाय मकानों तूटी गया। केटलाय घरों में पानी भराता अन्यत्र जवा लोग मजबूर। सौथी वधु नुकसान खातु घाट पर थयु। अहीं 200 थी वधु मकानो पाणीनी चपेट में आव्या। राजघाट पर 100 थी वधु मकानो पाणीनी चपेट में। क्यांक पाणी ओसर्या तो लोकोना घरोमां कादवना थर जामेला जोवा मळ्या। उत्तर प्रदेश में ट्रेन अकस्मात शकुरब स्थिति आवी रहेली ईएमयू ट्रेन मथुरा जंक्शन पर पाटा छोड़ीने प्लेटफॉर्म पर चढ़ी गई। सदनसीबे मोटी दुर्घटना टळी। रेलवे तंत्रे समग्र मामले कामगीरी हाथ धरी। तमिलनाडु में राजाली एयरबेस पर MQ-9B प्रीडेक्टर ड्रोन ने उड़ान भरी। आ ड्रोन 30 कलाक करता वधारे समय सुधी उड़ान भरवा सक्षम। तो 40,000 फूट की ऊंचाई सुधी आ ड्रोन उड़वा सक्षम। नागौर में 51 किलो की पत्थर की कूंडी ने पानी में तरती कराई। नागौर नरसिंह बकेची में एकादशी कूंडी पानी में तरती मुकाई। आ कार्य छेल्ला 300 वर्षो थी वधु समय थी करवामां आवे छे। बोकारो नावाडी में जंगली हाथियों आतंक। हाथियों झूंडे खेतरों भूपाक बर्बाद करो।
तो केटलाय घरोने पण तोड्या, साथे ज घरोमां राखेलो अनाज पण सफाचट करी नाख्यो। गोड्डामां खुद एक बालर एम्ब्युलेंसना बोनेट पर बेसी होस्पिटल पोतानी सारवार करावा पहोंच्यो। ऊंचा केटलाक लोकोए तेने पाणी अने खावानी चीज वस्तु आपी। होस्पिटलमां वानरनो आ वीडियो सोशियल मीडिया पर वायरल थयो। समस्तीपुर में एक छात्रा साथ मारपीट नो वीडियो वायरल थयो। छात्रा नो केटलाक युवक छेड़ती करता तेनो विरोध करता मार्यो मार। छात्रा ना परिवारिक पण विरोध करता युवके घर पर पहुंची छात्रा ने मार मार्यो। वीडियो सोशियल मीडिया पर वायरल। नवा पोल में लोकप्रियता में बाइडन करता ट्रम्प 10 अंक आगळ निकली गया। डोनाल्ड ट्रम्प ने 51 जारे बाइडन ने 42 पॉइंट मळ्या। जो कि वॉशिंग्टन पोस्ट पोते आ सर्वे परिणामों साथ संमत नहीं। अन्य सर्वेक्षण में बने की लोकप्रियता कटोकट होवानुं जणाव्युं। अजरबैजानना गैस स्टेशन में विस्फोट, 20 लोगों की मौत जारे 300 लोग घायल। नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया पलायन। आर्मेनिया जवा माटे लोगों गैस पुरावी रहा था त्यारे विस्फोट थयो। दक्षिण आफ्रिका अनेक विस्तारों में भयंकर पूर की परिस्थिति। अनेक लोगों की मौत की आशंका। तंत्र द्वारा बचाव कामगिरी हाथ धराई। पूर की गंभीर परिस्थिति जोता राहत मिलने कोई संभावना नहीं। चीनना नवा निर्णय थी फिलिपाइन्स में रोष। चीने विवादित क्षेत्र दक्षिण चीन सागर में लगावी दीधा फ्लोरिंग बैरियर। फिलिपाइन्स लगावी आरोप। कहूं नाविकों ने साउथ चाइना सीमा एंट्री बंद। रशियन चीनी कंपनी पर अमेरिका हथोड़ू। नवा प्रतिबंधों ऐलान कर कहूं पुतिन की मदद करना पर लेवाशे एक्शन। यूएस राष्ट्रपति बाइडेने 11 चीनी और 5 रशियन कंपनी पर नवा व्यापार पर प्रतिबंध लगवाया। भारत कैनेडा विवाद पर श्रीलंका विदेश मंत्री अली साबरी निवेदन। कहूं केटलाक आतंकियों ने कैनेडा में सुरक्षित स्थलों मिली गया। कैनेडा वडाप्रधाने कोईपण पुरावा विना करेला केटलाक भड़काऊ आक्षेपों लईने आ बात कही। भावनगर में वधु एक नबीरा अकस्मात सर्जू। नशा में धूत कार चालके बाइक चालक ने अड़फेट लीधो। नबीरा की कार में दारू की बॉटल मिली आई। बाइक चालक ने सामान्य इजा पहुंची। पुलिस समग्र मामले कार्यवाही हाथ धरी। भावनगर मालणका गाम में तलाटी विरुद्ध भ्रष्टाचार की फरियाद नोधाई। डीडीओ समक्ष फरियाद नोधाता तात्कालिक धोरणे कार्यवाही करने आदेश। ग्रामजनों पास थी काम करी आपवा वधारा पैसा वसूलवा फरियाद नोधाई। मेहसणा में अंबाजी तरफ मार्गे ट्राफिक जाम का दृश्य। 26 किलोमीटर अंतर कापा में 4-5 कलाक थे। अंबाजी तरफ जता पदयात्रियों ने कारण ट्राफिक जाम सर्जायो। पदयात्रियों सिवाय गाम कैम्प में उमटिया। अमरेली जाफराबाद में मध्याहन भोजन अनाज में ईयल ने जीवात निकली। तालुका पंचायत सदस्य सहित अग्रणीओ तंत्र ने जाण करी। मध्याहन भोजन मदद निशे पर समग्र मामला स्वीकार कर। यात्राधाम पावागढ़ में पदयात्रियों ने पीवाना पानी माटे हालाकी। डूंगर वहता झरणा में तरस छुपावता पदयात्रियों वीडियो वायरल थयो। तंत्र द्वारा पदयात्रियों माटे पानी की व्यवस्था करवामां आवी तेवी भक्तों की मांग। माछी में 4 हेक्टर जमीन में दबाणों दूर करता व्यापारियों वैकल्पिक व्यवस्था करने मांग करी। हाईकोर्ट ने दबाण स्थले हाल यथावत स्थिति जाळवी राखवा हुकम कर्यो छतां अमल नहीं। वलसाड में कपराड़ा कुंभघाट नजीक लोकोए मचावी टामेटा की लूंट। ट्रक पलटी जता रस्ता पर वेराया टामेटा। ट्रक चालके काबू गुमावता अकस्मात सर्जायो। टामेटा माटे पड़ापड़ी करता लोकोनो वीडियो सामे आव्यो। सूरत में शुद्ध घीना नामे लोकोना स्वास्थ्य साथे चेड़ा। आरोग्य विभागे लीधेला घीना नमूना तपास में फेल थया। पैकिंग घी में वेजिटेबल फेटनु प्रमाण वधु आव्यु। सीज करायेला 10 लाख रूपयाथी वधुना नकली घीनो नाश कराशे। जामनगर में पुलिसे कार चोर ने फिल्मी ढबे झड़पियो। बरनाला पासे पुलिसे कार ने कॉर्डन करी रोकाव्या बाद आरोपी ने झड़पी पाड्यो। आरोपी कार चोरी ने भागता पुलिसे रिवॉल्वर साथ 50 किलोमीटर सुधी कर्यो होतो तेनो पीछो। जामनगर ध्रोल में गांधीचौक नजीक पुलिसे कार ने अगाउ आंतरी हती। जो कि आरोपी पुलिस ने चकमो आपीने भागी जईने 5 लोगों ने अड़फेटे पण लीधा हता। कार्यवाही दरमियान ध्रोल पुलिस स्टेशन पीएसआई पण इजाग्रस्त थया। सुरेन्द्रनगर में मूड़ीना दुधई गामे बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। डम्पर में उतरी घर की बहार पार करेली बाइक लई शख्स फरार थयो। लोगों ने नजर सामे बाइक चोरी करी फरार शख्स की सीसीटीवी आधार शोधखोळ हाथ धराई। मुंबई में मीरा रोड पर बेकाबू कार वृक्ष साथ अथड़ाई। पूर झड़पी आती कार वाहन चालकों ने अड़फेटे लीधा। ईश्व शांति पार्क विस्तार की घटना सीसीटीवी में कैद थी। कार में बीयर की बॉटलों मिलता पुलिस तपास हाथ धरी।
અમદાવાદના એમટીએસ બસ ચાલકે શહેરના અંબર ટાવર નજીક બાઇકની અડફેટે લીધી। અકસ્માતમાં બાઇક સવાર મહિલાને ગંભીર ઈજા પહોંચી। ઘટનાના પગલે સ્થાનિકોએ હોબાળો કર્યો। રાજકોટના મોરબી રોડ પર વીજ કરંટ લાગતા યુવક તાર પર લટકી પડ્યો। પતરાનું માપ લેવા જતા યુવકને વીજ કરંટ લાગ્યાની ઘટના બની। ઈજાગ્રસ્ત યુવકને સારવાર માટે ખસેડાયો। વડોદરામાં એમએસ યુનિવર્સિટીમાં નમાઝ પઢવાનો વીડિયો વાયરલ થયો। કોમર્સ ફેકલ્ટી પાસેનો વીડિયો હોવાની આશંકા। સિક્યોરિટી વિજિલન્સની કડક વ્યવસ્થાના દાવા પોકળ સાબિત થયા। સુરતમાં ગુજરાત અને હરિયાણાનું અનાજ સગી વગે કરાતા ખળભળાટ। કોસંબા પોલીસે અનાજ ભરેલી ટ્રક ગોડાઉન સાથે ટ્રક ચાલકને ઝડપી પાડ્યો। મામલતદાર અને પુરવઠા વિભાગને પણ જાણ કરાઈ। સુરતના પાંડેસરામાં ધોરણ 11માં અભ્યાસ કરતા કિશોરને પ્રેમ સંબંધની આશંકામાં ઢોર મારવાનો આક્ષેપ। સમગ્ર મામલે પોલીસે ફરિયાદ નોંધી હોવાનો પરિવારનો આક્ષેપ। તંત્રની રજૂઆત માટે કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો પહોંચ્યા। ગુજરાત યુનિવર્સિટીના મહિલા પ્રોફેસરની વિભાગીય વડા સામે ફરિયાદ। રાજ્યશાસ્ત્ર વિભાગના વડા મુકેશ ખટીક ભેદભાવ અને માનસિક ત્રાસ આપતા હોવાની કુલપતિને ફરિયાદ। એચઓડી મુકેશ ખટીકે આક્ષેપોને નકારી મહિલા પ્રોફેસર પાસે માંગ્યા પુરાવા। દમણના દરિયા કિનારે વિસર્જન બાદ મૂર્તિઓની દુર્દશા જોવા મળી। કિનારા પર અનેક મૂર્તિઓ ક્ષત વિક્ષત હાલતમાં રજળતી જોવા મળી। પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસની મૂર્તિઓ પાણીમાં પીગળતી ન હોવાથી મૂર્તિઓની હાલત દયનીય। હડપ્પન સંસ્કૃતિના અવશેષો ધરાવતું કચ્છનું ધોળાવીરા ગામના લોકો પાયાની સુવિધાથી વંચિત। કોઈ દિવસ 2 કલાક સળંગ વીજ પુરવઠો ન મળતા સમસ્યા। 66 કેવી સબસ્ટેશન ચાલુ કરી 24 કલાક માટે વીજ પુરવઠો આપવા ગ્રામજનોની માંગ। સુરતના ઉમરા ગામે બે જૂથો વચ્ચે થયો પથ્થરમારો। જમીનમાં માટી પુરાણના વિવાદને લઈને બોલાચાલી બાદ મારામારી થઈ। જાહેરમાં જ બંને જૂથના લોકો એકબીજા પર લાકડીઓ વડે હુમલો કર્યો। સામાન્ય બાબતમાં બોલાચાલી બાદ મામલો બિચકતા બની ઘટના। પીપલોદ પોલીસ લાઇન પાસે જ હંગામો થતા વિસ્તારમાં પ્રતફરી ફેલાઈ। ઉમરા પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને હંગામો કરતા 4 લોકોની અટકાયત કરી। જૂનાગઢમાં કારમાં ગુંગળાઈ જવાથી બાળકનું મોત। માતાએ નહાવાનું કહેતા બાળક કારખાનામાં પડેલી કારમાં છુપાઈ ગયો હતો। પરિવારે સીસીટીવીના આધારે શોધખોળ કરતા બાળક મળી આવ્યું। જામનગરમાં ગરબા પ્રેક્ટિસ કરતા 19 વર્ષીય યુવકનું હાર્ટ એટેકથી મોત થયું। પટેલ પાર્ક વિસ્તારમાં આવેલા ગરબા ક્લાસમાં યુવક પ્રેક્ટિસ દરમિયાન યુવકનું હાર્ટ એટેકથી મોત થયું। સાબરકાંઠામાં ગણપતિ વિસર્જન સમયે 2 યુવકો ડૂબ્યા। સપ્તેશ્વરની સાબરમતી નદીમાં યુવક તણાયો, અન્ય યુવકનો બચાવ। તણાયેલા યુવકની ફાયરની ટીમે શોધખોળ શરૂ કરી। પોરબંદરમાં વીજ કચેરી પાસેના રેલવે ફાટક પર સર્જાયો અકસ્માત। ફાટક નીચેથી પસાર થતા ટેમ્પો પર પડ્યો ફાટકનો ભાગ। ઘટનાને લઈને ટ્રાફિક જામ થતા રેલવે અધિકારીઓ અને પોલીસ કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો। અમદાવાદના શાહીબાગ સરદાર પટેલ મેમોરિયલ હોલમાં રોજગાર મેળાનું આયોજન। કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીએ વર્ચ્યુઅલી રોજગાર મેળાનો શુભારંભ કરાવ્યો। કાર્યક્રમમાં કેન્દ્ર રાજ્યમંત્રી દેવુસિંહ ચૌહાણ ઉપસ્થિત રહ્યા। અમદાવાદ દીનદયાળ હોલમાં ગુજકોમાસોલની 63મી સાધારણ સભા મળી। સાધારણ સભામાં 20% ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરવામાં આવી। ગુજકોમાસોલમાં ચાલુ વર્ષે ગ્રોસ નફો 48 કરોડ અને નેટ નફો ₹23.5 કરોડ નોંધાયો। મહેસાણાના ઊંઝામાં ભાજપના યશસ્વી બૂથ કાર્યકર્તાઓનો સન્માન સમારોહ। કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલ પણ હાજર રહ્યા। સીઆર પાટીલે બૂથ કાર્યકર્તાઓનું સન્માનમાં દેશમાં ભાજપનું આ પ્રથમ અને સફળ પ્રયાસ ગણાવ્યો। પંચમહાલમાં શહેરાના ધારાસભ્ય જેઠા ભરવાડનો બદનક્ષીના બળતરનો દાવો। શહેરા તાલુકા પંચાયતના વિપક્ષ નેતા જેબી સોલંકી લગાવ્યા હતા આરોપ। 100 કરોડનો બદનક્ષીના બળતરનો દાવા અંગે શહેરા કોર્ટે જેબી સોલંકીને જવાબ આપવા નોટિસ ફટકારી। ગુજરાત કોંગ્રેસના હાથથી હાથ જોડો અભિયાનના હોદ્દેદારોને નિમણૂક પત્ર અપાયા। કોંગ્રેસ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલે નવા હોદ્દેદારોને નિમણૂક પત્ર આપ્યા। પ્રદેશથી લઈને જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ હોદ્દેદારોની કરાઈ છે નિમણૂક। મહેસાણાના બહુચરાજી એપીએમસીમાં ભાજપ સામે ભાજપની ઉમેદવારી। ખેડૂત વિભાગની ખાલી પડેલી એક બેઠક માટે 29 સપ્ટેમ્બરે યોજાશે ચૂંટણી। ભાજપે કિરીટ પટેલ દેવગઢને આપ્યું છે મેન્ડેટ। સામે જિલ્લા સહકારી સંઘના ચેરમેન વિઠ્ઠલભાઈ પટેલે નોંધાવી છે ઉમેદવારી। વિઠ્ઠલભાઈ પટેલને ભાજપમાંથી સસ્પેન્ડ કર્યા। જિલ્લા પ્રમુખ ગિરીશ રાજગુરે પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ માટે કર્યા સસ્પેન્ડ। ભાજપના સામે ભાજપની ઉમેદવારીથી મામલો ચર્ચાસ્પદ બન્યો।
अमरेली जिलामां खुलेआम दारू वेचातो होवानी भाजप नेताए फरियाद करी। अमरेली एसपीए पोलीसकर्मी जयसुख मकवाणाने फरज मुक्त कर्या। भाजपना नेताए पोलीस कर्मचारी अने बुटलेगर वच्चेनी ऑडियो क्लिप अने पोलीस वडाने लखेलो पत्र जाहेर कर्यो। वलसाडमां कपराणा कुंभघाट पर खाड़ाओने कारणे ट्रक पलटी। ट्रक में भरेलो कपासनो जत्थो रोड पर ढोळायो। अवारनवार अकस्मात थता होवाथी स्थानिकोए तंत्र पासे वहेली तके खाड़ा पूरवानी मांग करी। जूनागढ़ सिविल होस्पिटल तेमज मेडिकल कॉलेज ने नोटिस। फायर एनओसी न होवाथी मनपा फायर विभागे फटकारे नोटिस। सातवा नोटिस आप्या छतां कोई कार्यवाही नहीं, अंते फटकाराई नोटिस। समाचारोमां अत्यारे फक्त आटलुं ज, मने आपशो रजा, नमस्कार।